अस्सलाम वालेकुम, दानिशा के साथ हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कुरंगी 5 नंबर आईरे का ये रोड है, जिसकी कंप्लेन हमारे पास जो इलाका मकीनों ने की थी। इलाका मकीन की कुछ परेशानियाँ हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो खुदाई करी वो काफ़ी टाइम तक रही, उसमें इतनी गाड़ियों से इससे उससे मसले मसाइल, गाड़ी नहीं निकाल सकते, कोई मसले नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जब रोड डाला है तो गटर के ढकने इतने बड़े बड़े हैं कि बाइकों पे से लोग गिर रहे हैं। अब ये तो इन लोगों को चाहिए ना यार, ये जब लाजमी है हमारे हैं या किसी के भी हैं उर्दू स्पीकिंग है, तो इनको सबको मिल के चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा काम है, आप खुद देख लें कैसा काम हो रहा है भाई। इनको तो खुद इतना अच्छे से अच्छा काम कराएं ताकि लोग इनकी तारीफ करें, हर तरीके से इनको सपोर्ट करें। लेकिन जब सपोर्ट तो जब होगी ना, जब ये काम होगा अच्छा, क्या काम हो रहा है अब आप देख लें, खुद ही देख लें आप किस तरीके के गटर बन रहे हैं, किस तरीके के गटर उबल रहे हैं भाई। यहाँ यही मसले चल रहे हैं, ये मसाइल चल रहे हैं। आप रोड पर नज़र मार के देखें रोड की क्या हालत है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठा हुआ, कैसे कुछ, और ऐसे निकल रहा है तो अभी अभी ऐसे ही निकल रहा है। अभी अगर बारिश होगा तो पूरा ही खुल जाएगा। कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो पानी की लाइन का बेड़ा गर्क कर देगी सब। ये सारा उल्टा सीधे काम हुए, ये पायदार काम नहीं है। बेचारिया के ठेकेदार को बुलाओ, उसको बोलो फिर से उसमें माल डाले, जहाँ जहाँ घड़े पड़े हैं उसको भरे। इतने ऊँचे ऊँचे कोई चैम्बर कहीं देखे नहीं हमने आज तक जिंदगी में। गु बनाया जा रहा है, ये रोड वैसे ही उखड़ रहा है, और आप हिट करें जोर से इसको, हिट करें आपका जो है ना मलबा या जो भी ये डाला है डामर, ये वैसे निकल जाएगा। जब ये परसों ये काम हो रहा था तो मैंने यहाँ के जो काउंसलर हैं, साबिका काउंसलर, वो कह रहे हैं कि जी मेरी काउंसलरशिप ख़त्म हो गई है, शायद नाम है उनका, उनको फ़ोन करके बुलाया और बाकायदा उनको नोटिस में ये बात में लेके आया कि भाई ये देखें आप ये क्या हो रहा है, ये रोड नहीं बन रहा, सिर्फ ये काला किया जा रहा है। जब उनकी अपनी मशीनरी घूमी तो उसके घूमने से ही वो रोड उखड़ गया। आप अगर चाहें तो अभी मैं चलता हूँ, अभी इंडिकेट करता हूँ, आप खुद देख लें। और जहाँ ये गटर लाइन डली है वहाँ उन्होंने मशीनरी यूज़ ही नहीं की, सिर्फ हाथ से माल डाल के, वो छोटा सा ट्रालर था उनका रूलर, वो हाथ से चला रहे थे। तो वो एक जगह उन्होंने जब चलाया पूरी लाइन बैठ गई, तो वो खौफजदा हो गए कि आगे भी सारा यही मामला होगा। और ये जो इन्होंने वो छोटा एक रूलर हाथ का था, जैसे वो घास काटने वाला इस तरह का था, वो चला रहे थे। खैर उनसे काफ़ी मेरी तूतू में हुई, मैंने आखिरी में उनसे ये पूछा कि आप ये बता दें कि ये जिस इदारे ने भी पास किया है कितना आपको माल डालने की इस पर इजाज़त दी है। तो वो कहने लगे हमें 1.5 इंच की इस पर माल डालने की इजाज़त है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि चलें 1.5 इंच की आपने अगर अप्रूवल ली है तो 1.5 इंच का तो कोई अपने घर में फ्रिज नहीं डालता। आप रोड डाल रहे हो जिस पर ट्राले भी चलेंगे, बस भी चलेगी, बाइक भी चलेगी, कार भी चलेगी, और आने वाले वक्त में बारिशें तैयार सर पे खड़ी हैं, तो 1.5 इंच के माल पे आप ये कैसे रोकोगे। तो कहने लगे नहीं हमें TWF ऐसे कुछ एक नाम बता रहे थे कि फलां एक इदारा है, उसने ये जो ना ये 1.5 इंच का माल की अप्रूवल दी है। मेरा ये कहने का मतलब है, देखो अगर कोई काम करके गया कराची में तो काम अगर किसी ने किया तो वो एक मुस्तफ़ा कमाल मेयर था, उसने काम किया था। और अगर आज मैं समझता हूँ कि अगर चलो वो कुछ भी कह रहा है तो वो कम से कम कराची वालों की आवाज़ तो है कि कराची में कुछ काम कर देगा। लेकिन उन अफसरान से जो ये डाल रहे हैं DC और AC, जो ये सारे इसकी जो देखभाल भी कर रहे हैं और अपनी निगरानी में ये सारे काम 2 नंबर करवा रहे हैं, उनके बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, 3,000 लीटर पेट्रोल भी फ्री है, सारे उनके मराते सब कुछ फ्री हैं, लेकिन फिर भी चोरियाँ कर जाते हैं। तो एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और ये टूटा फूटा रोड जैसा था वो इससे अच्छा था मैं समझता हूँ। लेकिन अगर इन्होंने ये काम करना ही था तो इससे बेहतर तो वही था, और अगर किया है तो उसको तरीके से करें, वरना आम आदमी कुछ नहीं कर सकता इन लोगों का, ये एक माफिया बने पड़े। बाकी ये आपसे मेरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँगे तो हो सकता है इस पर कोई नज़रसानी हो जाए।